वस्तु स्थिति यह है कि सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों एवं कर्मचारियों का सेवा शर्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के सेवा शर्त से बिल्कुल अलग है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश साल में 14 दिन एवं पूरे सेवा काल में 300 दिन का ही प्रावधान है और इसको 300 दिन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। महोदय, ये तो हम लोग जानते हैं महोदय, पंचायती राज नियम के तहत जो अभी 2020 में जो नियमावली लागू हुआ है उसके तहत जो है सरकार ने एक साल में नियोजित शिक्षकों को 11 दिन का अर्जित अवकाश और कुल 120 दिन का अवकाश दिया देने का प्रावधान किया है। लेकिन यही मेरा निवेदन है महोदय कि 14 दिन देश प्रतिवर्ष जैसे सरकारी विद्यालयों में जो उसी विद्यालय में जो पुराने टीचर हैं रेगुलर टीचर हैं उनको 14 दिन मिल रहा है और मैक्सिमम 300 दिन है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि ठीक है प्रावधान अभी नहीं है लेकिन इतना आश्वासन हो चूंकि 14 दिन मिल जाए एक साल में और मैक्सिमम 300 दिन हो जाए, कोई आज तो देना नहीं है महोदय। शिक्षक लोग रिटायर करेंगे महोदय 15 साल के बाद 20 साल के बाद, उस दिन इनको देना है तो उस दिन लाभ मिल जाएगा कुछ महोदय। इसलिए मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह है कि इस पर उदारता पूर्वक विचार करने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी महोदय। झूठा आश्वासन चाहते हैं क्या? नहीं महोदय, झूठा आश्वासन नहीं, मतलब व्यवहारिक आश्वासन चाहते हैं क्योंकि सेवानिवृत्ति होने में उन लोगों को अभी 20 साल लगेगा महोदय। आज तो पैसा देना नहीं, ठीक है आज की स्थिति खराब है लेकिन आज तो पैसा नहीं देना है महोदय, देना है पैसा 20 साल के बाद, तो उस समय जो रहेगा उस समय देगा। 14 दिन होती उन्हीं के कंधे पर दे दिया जाए महोदय, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और हम लोगों को भी संजय को जो है मदद मिल जाएगी महोदय। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, बिल्कुल कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अधीन ये नियोजित शिक्षक नियुक्त हैं और उनकी सेवा शर्त नियमावली अलग है। लेकिन मेरा एक चीज़ इसी में जो संज्ञान में देना है मंत्री जी की, पंचायती राज व्यवस्था के अधीन काम करने वाले अन्य कर्मी को भी 180 दिन अर्जित अवकाश का लाभ मिलता है और स्वाभाविक है कि अन्य सेवा संवर्ग के लोगों को भी 180 दिन, पूरे राज्य के सभी अन्य कर्मियों को भी 180 दिन अर्जित अवकाश है। तो आग्रह है कि आज कहीं वित्तीय बोझ पड़ भी नहीं रहा है सरकार पर, अब 20 साल 25 साल 30 साल के बाद जो रिटायर करेंगे तब उसका लाभ मिलेगा। इसलिए उस पर आप लोगों की वकालत करने के लिए नौल किशोर जी शिक्षा मंत्री के नजदीक बैठ गए हैं और कान में बात करते रहते हैं। लेकिन कतिपय मामलों में दोनों सेवा शर्त नियमावलियों में समानता है, जैसे मातृका अवकाश जो है वो 180 दिन पुराने शिक्षिकाओं को भी है और नए के लिए भी, पितृत्व अवकाश पुराने के लिए भी है नए के लिए, तो समानता की शुरुआत आपने कर दी है। संजीव जी का जो प्रश्न है कि इसमें भी समानता स्थापित करें, आपसे यही आग्रह है कि समानता की ओर बढ़ जाइए, भविष्य में देना होगा उस दिन सवाल उठेगा। ठीक हो गया सभापति महोदय, बहुत तर्क वितर्क हो चुका है, मैं जानता हूँ मंत्री जी बहुत उदार प्रकृति के व्यक्त हैं और मैं इनसे आशा करता हूँ इस रिमांड को जरूर मान लेंगे। ठीक माननीय सर। हाँ बोलिए महोदय। जो माननीय सदस्यों की भावना है, सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति सजग है और संवेदनशील है, इसीलिए महोदय ये तो नई नियमावली बना के पिछले वर्ष 20 अगस्त 2020 को इन लोगों को कुछ नहीं मिलता था और नई नियमावली के तहत इनका साल में 11 दिन अर्जित अवकाश करके अधिकतम 120 दिनों तक करने का निर्णय लिया गया है। महोदय अभी तो 10 महीना बीता है, आखिर मांग बढ़ाने का या डिमांड स्केल अप करने का भी कोई मिनिमम पीरियड होता है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात महोदय, संजीव श्याम जी ने कह दिया
कि बढ़ा दीजिए ना, अभी देना थोड़े है, आगे की बात है, जो आएगा सो दे, जो आएगा उसका अपना बर्डन होगा, जो आएगा उसको करना होगा, मतलब जो सरकार आएगी उसको करना होगा, हम बढ़ा दे। सवाल है कि हमको तुरंत अपने जाने का कोई लक्षण दिखे तब न। नहीं महोदय, 15 साल 20 साल के बाद की बात है महोदय, आज तो देना नहीं है, 15 साल या 20 साल के बाद देने की बात है महोदय, आज की बात नहीं। ठीक है।